ओके तो आज मौसम एकदम सनी है, काफी ज्यादा बढ़िया दिन है आज एंड ठंड की भी काफी कमी हो चुकी है। जो लास्ट व्लॉग किया था उससे बहुत ज्यादा डिफरेंट हो चुका है मनाली। तो वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, कैसे तुम लोग आए हो? होप फिट होंगे, एब्सोल्युटली फाइन। बहुत दिनों बाद व्लॉग आ रहा है, बताता हूँ अंदर चल के एक रीजन एंड यस ऐसा कुछ है, आप देख देख सकते हो मेरे पीछे एंड वी आर बैक टू व्लॉगिंग। ओके तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया, अराउंड 10:30 के आसपास हो रहे हैं। अब मैं आप लोग को बताता हूँ कि हमारे जो लास्ट डेज हैं मनाली में ऑलमोस्ट खत्म होने वाले हैं। एक दो दिन में हम लोग दिल्ली जाने वाले हैं, सब पैकिंग हो चुकी है। अभी दिखाता हूँ कैमरा फ्लिप करके कैसा हॉल हो चुका है एक्चुअली में, मेरा सब पैक वैक हो चुका है पीसी एंड हाँ अब बात करते हैं कि मैं व्लॉग क्यों नहीं कर रहा था इतने दिनों से। मेरे को एक्चुअली कोविड पॉजिटिव टेस्ट हो गया था अराउंड फेबररी स्टार्टिंग में। अभी मैं नेगेटिव हूँ लेकिन इम्पैक्ट ज़रूर पे पड़ा है बॉडी पे, तो इतना बाहर घूमा नहीं तो व्लॉग क्या करना है। ऑब्वियसली घर पे ही था, रेस्ट कर रहा था, यस तो व्लॉग नहीं हो पा रहा था एंड सोच रहा था कब स्टार्ट करना। फाइनली आज स्टार्ट किया है एंड डेली जाके भी आई थिंक मैं इसको कंटिन्यू करने वाला हूँ। काफी ज्यादा मजा आ रहा है, देखते हैं वहाँ क्या कंटेंट मिलेगा, ट्राई करूंगा डेली व्लॉग्स का। देखो गाइस पूरी टेबल जो है खाली हो चुकी है, बस थोड़ा बहुत सामान पड़ा है वहाँ पे, मेरा वो जो देख सकते हो आप वो पीसी पड़ा है एंड सब कुछ खाली हो गया, तो बस थोड़ा बहुत रह गया, चेयर वगैरह रह गई एंड हाँ हम यहाँ पे बैठे हैं मस्त मौसम में। ओके तो ये वाली जगह देखो गाइस, यहाँ पे आप पूरा गार्डन देख सकते हैं, एप्पल ऑर्चिड्स हैं एक्चुअली, यहाँ पे एप्पल आ जाता है समर के टाइम में। तो ये जगह देख रहे हो वापस से पूरी ग्रीन हो चुकी है, सारी बर्फ ऑलमोस्ट चली गई है। रोहतांग तो वाइट ही रहता है, कम ज़्यादा पता नहीं ऐसे ही रहता है वाइट, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत बर्फ ऊपर पड़ी है लेकिन ये सारा ग्रीन हो चुका है। बिफोर आफ्टर करके दिखा दूंगा आपको इसी वीडियो में कि कैसा था ये पहले और अभी कैसा हो गया है। सारा सूख चुका है, सारी बर्फ जा चुकी है, अपना कॉटेज उधर है एंड हाँ सूख गया काफ़ी हद तक एंड चलते हैं थोड़ी देर में ड्राइव पे चलेंगे। तो अभी शायद 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 प्लान बन रहा है मॉल रोड जाने का एंड ट्राई करेंगे नेहरू कुंड वगैरह घूम लें। अटल टनल तो शायद नहीं खुला होगा अभी, देखते हैं जो भी होगा। तो एक बार फाइनली हम लास्ट टाइम घूम लेंगे मनाली, क्योंकि शायद कल या परसों जाने का ही है, बिकॉज सब पैकिंग वैकिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है एंड फिर दिल्ली जाना है, तो एक दो बार घूम लेते हैं यहाँ पे वापस से। ये देख रहे हो गाइज आप, एक लेयर खाली है यहाँ पे जो धूप पे बिल्कुल भी नहीं आती, तो ये बर्फ पड़ी हुई है अभी तक। बाकी सारा जो आप देख सकते हो सेटन की तरफ तो है अभी भी ठीक ठाक बर्फ, लेकिन ये एकदम ही बर्फ है यहाँ पे। ओके तो अभी बज रहे हैं अराउंड 12 o'clock एंड हम लोग को 1 बजे के आसपास मॉल रोड जाना है, तो फटाफट नहाने चलते हैं, नहाया नहीं हूँ मैं अभी तक एंड 2 सेकंड में मिलता हूँ आपको। ओके सुना के आ चुके हैं, अब चलते हैं हम लोग मॉल रोड की तरफ, नीचे उतरते हैं एंड फिर मिलता हूँ तुम्हें। वैसे एक चीज मैंने आप लोग को दिखाई नहीं ना, ये देखो यहाँ से चप्पल ली थी, इस पे लिखा है NB और नीचे देखो क्या लिखा है, सुपर लिखा है लेकिन सुपीर पता नहीं क्या है, आई डोंट नो नकली है लेकिन काफी फनी लगा। ऑलमोस्ट 15 दिन बाद फाइनली निकले हम लोग घर से, बिकॉज कहीं भी जाना नहीं था। तो हाँ आज हम लोग जा रहे हैं, देखते कैसा होगा मॉल रोड पे, आई होप ज़्यादा लोग ना हो बिकॉज थोड़ा सा वैसे ही रहना है, लेकिन चलते हैं देखते हैं और मजे करो। पीछे मेरे मॉल रोड है, चलते हैं, पहले गाड़ी पार्क हो रही है फिर चलते हैं। ओके तो गाइस मास्क पहन लिया है, इट इज़ वेरी नेसेसरी राइट नाउ बिकॉज कम केसेस तो हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन मास्क पहन तो रहना चाहिए एंड यस मैंने ही पहन लिया है। ओके गाइस हम लोग ये मॉल रोड की साइड आ चुके हैं, लोग देख रहे हो एंड पीछे बस स्टैंड है, चलते अब देखते क्या सीन है भाई, ट्रैफिक कह रहा हूँ, लोग तो खूब सारे हैं, चलते हैं ये देखना कैसे सो रहा है। गाइस शॉल ले लिया पीछे से, अभी लंच करने जा रहे कहीं तो, और तुम्हें एक बात बताता हूँ, 15 शॉल ले लिए पूरी दिल्ली के लिए, शॉल ले लिए सबको देने के लिए, बाप रे भीड़ तुमने मेरे पीछे देख ही सकते हो कितनी जबरदस्त है। तो ऐसा ही सीन रहता है यहाँ, कोई ऑफ सीजन नहीं रहता, पूरे टाइम ही मॉल रोड तो भरी रहती है। तो यस मिलता हूँ। और गाइस तो हम लोग गाड़ी बैठ गए, वहाँ पे हम लोग ने लंच नहीं किया खाइबर वगैरह, और कोई रेस्टोरेंट अच्छा मिला नहीं मॉल रोड में, तो कहीं और जा रहे लंच करने अभी यहाँ पे पीछे, तो सारा मार्केट एरिया है ये वाला एंड 15 शॉप थे टोटल और मैं लेकर आया उसको,
तो मतलब 4-5 पूरे पैकेट से भर के। तो अभी जब हम लोग जा रहे लंच करने, देखते हैं अभी एंड फिर मिलता हूँ तुम्हें। यस गाइस, मॉल रोड तो एक चीज़ है, उसके चारों तरफ मार्केट ही मार्केट है, कितनी सारी दुकान है, पूरा हब है तो। एंड कहीं से भी एंट्रेंस कर लो, इस साइड से मॉल रोड है नीचे की तरफ। ओके, तो ये कैफे में हम लोग आए, जॉनसन्स कैफे, यहाँ से जाना, चलते हैं देखते क्या खाएंगे। गाइस थोड़ा सा लेट हो गया बताने में, तो अभी जो मंगवाया था उसमें पनीर टिक्का था और फ्राइज थे, ये तो ख़त्म कर दिया, और ये है तो ये ख़त्म कर रहे हैं। इसके बाद अभी मेन कोर्स आने वाला है, उसके बाद फिर घर चलेंगे। तो मैं थोड़ा सा भूल गया था, भूख लग रही थी ज़ोर से, दिखाना भी है तो दिखा दिया, आप देख लो जो भी है। टाइम टू गो, चलते हैं, खा लिया अपने लंच, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, पेट एकदम भर चुका है, बिकॉज़ अराउंड 3:30 के आसपास हो रहे हैं अभी। ऐसा कुछ तुम लोग देख सकते हैं, आज एंट्रेंस थी, पूरा होटल ही एक्चुअली में पूरा होटल है, एंड यहाँ पे कैफे था, जैसे तुम लोग देख सकते हो जॉनसन्स कैफे, अच्छा था, मस्त प्लेस थी। धूप भी चली गई, देखो क्लाउडी हो चुका है इस साइड तो, लेकिन उस साइड हमारा कॉटेज है तो उधर इतने क्लाउड्स नहीं है। चलते हैं बाकी देखते हैं। ओके, तो हम लोग एक बार जा रहे हैं अपना नेहरूकुंड अटल टनल की तरफ घूमने के लिए, ड्राइव पे जा रहे हैं एक रैंडम, एंड हो सकता है लास्ट टाइम है, बिकॉज कल हम यहाँ पे और परसों तो जाना ही है, तो देख लेते हैं जितना भी घूम सकते हैं, एंड ये शायद लास्ट लोग होगा मनाली का, एंड इसके बाद सीधा वापस जाने का ही होगा। गाइस देख रहे हो अभी हम लोग कहाँ पे खड़े हैं, वी आर ऑन राइट नाउ ऑन अ ब्रिज, और चारों तरफ का व्यू देखो, मैंने 360 डिग्रीज का एक शॉट लिया है, कितना अमेजिंग है। इस साइड पे आप लोग देख सकते हो रिवर बह रही है, उसकी साउंड इतनी प्यारी, मौसम एकदम जबरदस्त, हल्का सा सन हमको दिख रहा है, यहाँ पे पूरी वैली दिख रही है, क्रेजी, लाइक इट्स क्रेजी, बहुत एपिक व्यू है, बहुत क्रेजी, एंड आई विल मिस दिस फॉर श्योर, ये तो पक्का मिस करने वाला हूँ, बाकी तो अलग बात है, लेकिन ये वाली ब्यूटी जो 3 महीने से हम लोग नॉर्मली देख रहे थे, इन्जॉय कर रहे थे, वो जाते जाते लगती है कि भाई क्या है, क्योंकि नॉर्मली नहीं देखने को मिलती, यहाँ पे दिख रही है, सो इट्स क्रेजी, थम्स अप। एक चीज़ और मेंशन करता हूँ, आप लोग इधर देखो, क्लाउड्स की वजह से ये जो सारा एरिया है ये आपको ग्रेश थीम में दिख रहा होगा, एंड उधर बिल्कुल भी क्लाउड्स नहीं है, तो एकदम चेंज ब्लू वेदर है, सो एकदम कॉन्ट्रास्ट इधर से और इधर का, तो यस, जस्ट टू मेंशन इट। गाइस वो सारा देख रहे हो आप, ये सारा अभी लैंडस्लाइड हुआ है, इसके लिए ऊपर से पूरा गिर चुका है, आधी रोड ब्लॉक हो चुकी है, इसकी वजह से ना यहाँ पे सारा एरिया ब्लॉक हो चुका है। ओके, सो हम लोग यहाँ पे रुके, 2-4 फोटोज ले लेते हैं, बिकॉज थंबनेल भी चाहिए, ऊपर से बहुत अच्छा व्यू भी है और सन भी नहीं है बिल्कुल भी, थोड़ी सी फोटोज लेते हैं, आप मेरे पीछे देख ही सकते हो, हवा चल रही है बहुत जोर से, बाल लंबे तो थोड़ा सा समझ सकते हो। सेकेंड स्टॉप फॉर फोटोज यहाँ पे हम लोग अब पीछे ले रहे हैं, व्यू भी बहुत अच्छा क्रेजी, एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, जैसे कि आप लोग ने देखा होगा पुराने व्लॉग में, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट रहता है इस वाले पे ना, यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त रहता है, एंड बस थोड़ी बहुत फोटोज ले रहे हैं बिकॉज लास्ट डेज, सो यू नो, यहाँ पे तुमको दिखाता हूँ एक 360 व्यू। ओके, तो मैं अभी नीचे जा रहा हूँ किचन में कॉफी बनाने, बार बार अपने लिए थोड़ा कुछ कॉफी बनाता हूँ, एंड पैकिंग करनी है कपड़ों की, बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह पैक हो चुके हैं, एंड इस सब की पैकिंग करनी है, कर लेते हैं।
किचन मैंने वैसे तो एक व्लॉग में दिखा रखी जब मैगी बना रहे थे, लेकिन ऐसी कुछ किचन है, एक कमर्शियल किचन है एक्चुअली, बट अभी कुछ यहाँ पे कमर्शियल नहीं हो रहा था तो हम लोग ही रुके, तो फटाफट कॉफ़ी बना देते हैं। गाइस एक बात तो है, ये देखो किचन देखो, ठीक है ऐसे किचन है, और व्यू चेक करो, ये मैंने शायद पिछले व्लॉग में बताया था, लेकिन भाई साहब ऐसा व्यू शायद ही कहीं देखने को मिलता है, बहुत ओपी हुआ यार, लाइक नेक्स्ट लेवल विंडो है, पूरा विंडो है जैसे कि आप लोग देख सकते हो, बहुत ओपी है। बन गई फाइनली, इसको लेके नहीं, मैं दोनों हाथ से पकड़ता हूँ और इसमें लेंगे। ये देखो पूरी पैकिंग चल रही है, इधर सब खुल चुका है, तो ऐसा कुछ सीन है। ओके गाइस तो अभी बज चुके हैं अराउंड 7 o'clock एंड BGMI खेल के हट गए हैं, अब थोड़ी देर फोन कर देंगे, 8 o'clock से मैं स्ट्रीम करना है, बाहर चलते हैं थोड़ी देर, एंड आई विल बी एंडिंग दिस व्लॉग राइट हियर। आई होप ऑल ऑफ यू एंजॉयड, काफी टाइम बाद आया, एंड ट्राई करूंगा डेली व्लॉग में, बट अगर एक आधा मिस हो जाए तो आई एम सॉरी फॉर दैट, बिकॉज कभी कभी कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं जो आप लोग नहीं डाल सकते। तो अब मिलूंगा मैं आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पीस आउट, हैव अ गुड डे, हैव अ गुड नाइट, पीस आउट। ਤਾਰੇ ਨੇ ਪਸੰਦ ਮੈਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਸਹਾਰੇ ਲਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਹਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੇਗੀ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਜਦੋਂ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ।